छत्तीसगढ़ की दुर्ग भिलाई पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत आज विशेष पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि नशे के अवैध कारोबार पर लगातार कार्रवाई के साथ साथ दुर्ग पुलिस नशा छोड़ने के लिए लोगों को जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के विशेष पखवाड़े के तहत प्रेरित कर रही है। दुर्ग पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे जियो खुलकर नशा मुक्ति अभियान के तहत आज विशेष पखवाड़े का शुभारंभ पाटन क्षेत्र से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सुपुत्र चैतन्य बघेल एवं विशेष कर्तव्य स्थल अधिकारी छत्तीसगढ़ शासन आशीष वर्मा उपस्थित हुए। बता दें कि यह अभियान दुर्ग पुलिस के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि नशे के खिलाफ कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं को एक मंच पे एकजुट कर ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में दुर्ग पुलिस के साथ साथ समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा तथा विभिन्न गैर सरकारी संगठन जैसे कल्याणी संस्था, ब्रह्म कुमारीज, गायत्री परिवार जैसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। 15 दिन के इस विशेष पखवाड़े के तहत दुर्ग जिले के विभिन्न ऐसे स्थानों की पहचान कर जहां नशे की समस्या सर्वाधिक है वहां पर प्रतिदिन जियो खुलकर की टीम के द्वारा नशा मुक्ति के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन एवं प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जहाँ नशे से होने वाले दुष्प्रभाव और कैसे नशा छोड़ा जा सकता है इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाएगा। बताते चले कि दुर्ग पुलिस लगातार नशे के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई तो कर ही रही है, साथ ही अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए नशे के आदि व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए पुनर्वास केंद्र में भर्ती करा रही है। कार्यक्रम में जियो खुलकर टीम द्वारा पाटन में उपस्थित जनता को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। वहां उपस्थित आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे ब्रह्म कुमारी और गायत्री परिवार, आनंद मार्ग के सदस्यों द्वारा बताया गया कि कैसे आध्यात्मिक तरीके से नशे के आदि व्यक्ति को नशा मुक्ति की ओर ले जाया जा सकता है। साथ ही भिलाई से जुड़े इप्टा के राजेश श्रीवास्तव और उनकी टीम के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। वहीं दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के द्वारा बताया गया कि कैसे नशे के कारण व्यक्ति घिनौने से अति घिनौने अपराध को अंजाम दे रहा है। कोई भी सामाजिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सीएसपी विवेक शुक्ला ने जियो खुलकर अभियान कैसे कार्य करता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण राहुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम, नगर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन आकाश राव, गुरजीत सिंह पाटन व अनुभव शर्मा आदि मौजूद रहे। सर, युवा लोग यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हैं तो मैं चाहूंगा सबसे पहले अपने लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। नशा मुक्ति अभियान है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो युवा पीढ़ी है, जो अभी मार्गदर्शन पे शुरू किया गया था। वर्ष 2019 से ये शुरू किया गया था, लेकिन ये अभियान क्यों शुरू किया गया ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों दुर्ग पुलिस को ये आवश्यकता महसूस हुई कि ये अभियान शुरू किया जाए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक इंसिडेंट बताऊंगा। 2019 की बात है, हम ऑफिस में बैठे थे तब एक बुजुर्ग दंपत्ति वहाँ पर आए और आकर वो रोने लगे, बोले कि सर हम लोग को बचा लो, हमारा जो पुत्र है 25 साल का लगभग उम्र है उसकी, संतराबाड़ी निवासी थे उन लोग, और वो कब हमको जान से मार देगा, कब हमको रात में सोते समय मार देगा, हम लोगों को ये चिंता सताती। इसलिए रात इष्ट अधिकारियों से बात करते हुए हमने इस अभियान की शुरुआत की। और साथ ही साथ अगर हम इसका एक और कारण देखें तो उसके कारण के पीछे उसका जड़ अगर देखें तो हम अपराध का एक ग्राफ देखते हैं, तो अपराध के ग्राफ को भी देखने पर ये समझ में आता है कि अधिकांश अपराधों के पीछे अगर 100 में 80 अपराध हो रहे हैं तो नशा ही उसका मुख्य कारण होता है। चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो मारपीट हो, चाहे वो लूट हो, चाकूबाजी हो, चाहे वो रेप हो, छेड़छाड़ हो, अधिकांश अपराध के पीछे नशा उसका एक महत्वपूर्ण कारण हमें दिखता है। तो ये इस अभियान को शुरू करने की आवश्यकता के रूप में हमको लगा। उसके बाद जब हमने देखा कि नशे के खिलाफ बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिस पुलिस को इन सब को एक साथ एकजुट करके काम करने की आवश्यकता है, और फलस्वरूप इस अभियान की शुरुआत में इन लोगों को एक साथ जोड़ा गया, जिसमें हमारी जियो खुलकर टीम के साथ जहां गायत्री परिवार, आनंद मार्ग और ब्रह्म कुमारी जैसी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है, जो इनका कार्य है आध्यात्मिक रूप से स्कूलों कॉलेजों में जाकर या ऐसे मोहल्लों की पहचान कर जहाँ पर नशा सर्वाधिक है उनको जाकर नशे के खिलाफ हैं उनकी पहचान करो, जो नशा छोड़ना चाहते हैं उन्हें कैसे नशे से दूर रख पाएँ और उनको वापस समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, इसके लिए हमने हमारे साथ कल्याणी जनता इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इसका मूल उद्देश्य यह है कि
अगर नशे की गिरफ्त से कोई बंध गया हो तो उसे कैसे मुक्त किया जा सके, उसकी क्या मदद की जा सके, इन सब चीज़ों को लेकर इनके द्वारा लगातार मोहल्लों पे जिस पे कि इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लगातार हम दुर्ग पुलिस के तरीके से अभियान चला रहे हैं। मैं इसमें कुछ चीज़ें ये बोल, अगर हम महसूस करें कि बहुत से अपराध हैं, अपराध का परसेंटेज भी अब 50% से ऊपर है जो नशाखोरी के बाद होता है। बहुत से हत्याओं के जब हम मोड़ पे जाते हैं तो पता चला कि नशा करके आपस में लड़ गए। इसमें बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ कि बेटे ने बाप कुल्हाड़ी मार दिया, बाप खत्म हो गया। इसी तरह माँ ने मना किया, उसको मार दिया। या बाप पी के आ रहा है, माँ मना कर रही है तो लाठी उठाया, सिर पे मार दिया, खत्म हो गया। एक छोटी सी चीज़ है, एक नशा है, उस समय अपने होशोहवास में नहीं है और उसने उसकी मांग की और केवल आगे वाले ने उसको मना किया, समझाया, तो उस पर सीधे सीधे वो इस बात को समझने में बिल्कुल तैयार नहीं कि इस कृत्य से उसकी जान जा सकती है। इसके अलावा आपने देखा है कि जो हमारा सामाजिक दायरा है, पति पत्नी बच्चे बेटी बहन दादा नाना नानी, पर शराब के नशे में अक्सर आप सुनते हैं कि दादा ने पोती के साथ गलत काम कर लिया, मामा ने अपनी भांजी को कर लिया। तो आप सोचिए कि क्या उस समय वो मानवीय रूप में होते हैं, और मानवीय रूप में नहीं होते हैं तो वो रिश्ते की मर्यादाएं पूरी ख़त्म हो जाती है। वो ये समझने को तैयार ही नहीं कि ये रिश्ते की मर्यादा में एक्चुअल है क्या। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।